हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हर अमल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हर एक काम से पहले हमने ये काम किया, हर एक काम से पहले हमने ये काम किया, खुदा की हम्द की बाधु कलाम किया। हजरते ग्रामी, रस्म तबवीज सदारत की अंजाम पुरजे के बाद में आपको इमानो प्रोग्राम की तनाजराई दुनिया की सरो सियाहत कराना चाहती हूँ और इस सफर का आगाज कुरान पाक की तिलावत से कराना चाहती हूँ, क्योंकि दुनिया में हर मजहब का मानने वाला अपनी महफिल और मजलिस का इफ्तिताह और आगाज करे जो इसके नजदीक काबिले एहतराम, लायक अजमत और बाबरकत हो। जाहिर है हम मुसलमानों के नजदीक कुरान पाक से बढ़कर कोई चीज बाअजमत और बाबरकत नहीं। इसीलिए सलफे सालिगीन और पासवाने दीन हनफिया ने अपने दीनी और मजहबी जलसे के आगाज के लिए इसको लाबुज़्ज़ी और जुज़्व लाफ़ेक करार दिया है। तो आइए हम भी इसी इस्लामी तालीमात की रोशनी में चाहते हैं कि इस जलसे का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से हो। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मैं आवाज देती हूँ रोशनी परवीन को और इस शहर के साथ मैं गुजारिश करती हूँ, पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में, पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में, सफाई होती जाए कल्ब की हर एक लम्हे में। रोशनी परवीन बिंत मोहम्मद सदरुल साहब घर तेलिया रही डीएसपी टोला डायस्पोर। صدق الله